आपको आपको परेशान करने के लिए कुछ नहीं मैडम, ये आपका हॉस्पिटल है? नहीं सर, ऑनर इसका डॉक्टर रहना चाहिए। लिखो, आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? कल शाम 5 बजे लिखो यार, बस बहुत है जी। गायनी डिपार्टमेंट कल शाम 5। क्या आपकी डिग्री जान सकते हैं? क्या आपकी क्वालिफिकेशन? यहाँ पे जो स्टाफ देखा गया, इंटर पास लड़कियाँ और जो भी इंटर कार्यालय में चिकित्सा अधिकारी में छुट्टी पे है। अच्छा, ये ट्रेनिंग सेंटर है, हॉस्पिटल है? दस्तावेज ट्रेनिंग सेंटर है, हॉस्पिटल है सर। वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर ऐसे बस सीखना है, तो सर ने कहा ठीक है, एक दो दिन और देखते हैं, फिर सही लगेगा तो फिर। अच्छा मैडम, एक चीज़ ये बताइए कि अगर इस तरह में जो ओटी की कंडीशन है, जो जैसे मरीज हैं जिनके ब्लड चढ़ रहा है, डॉक्टर नहीं कोई यहाँ पे, ऐसे में अगर मरीजों की जान जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा अगर मान लीजिए मरीज की जान संशय में पड़ती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो उनको टाइम लग गया, वो आने वाले थे, लेकिन अब बार बार कॉल की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी काम हो नहीं पाया है, तो अभी हम आ नहीं पा रहे। इस तरह की अनियमितताओं में मरीजों का ये ऑपरेशन होता है, अगर कुछ कैजुअलिटी होती है। आपने डिग्री बीएमएस बताई ना? बीयूएमएस यूनानी से। तो कैसे गायनको कैसे अन्यथा कैसे कहाँ से अस्पताल के विरुद्ध? अच्छा, ठीक, सभी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई संस्थगित की जाएगी सर। क्या उसमें